Hi everyone, welcome to Mahatma Ji Technical. और अभी सर महात्मा जी टेक्निकल नहीं, Kelvin Classes. और रिश्तों वाला जो ऐड था वो सर रिश्तों के घर. सो अभी हम Kelvin Classes में है सर. कितने टाइम से, अभी थोड़ा देर तकरीबन 2-3 घंटे हो गए. एक लाइव क्लासेस भी आप लोगों ने देखा होगा. सारे बच्चे तो सर वही बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे इस वीडियो का. ये वीडियो जल्दी कितना कब अपलोड होने वाला है. तो सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा सचिन सर से और सौरभ सर से. सर जो है वो मैथ्स और पूरा सेगमेंट देखते हैं सर. बाकी और भी टीचर्स हैं. आज तो मेरे ख्याल से थोड़ा छुट्टी वाला माहौल है, लेकिन फिर भी कुछ टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उनसे भी मिलाऊंगा. तो शुरुआत करते हैं. यहाँ पे दो भैया बैठे हुए हैं रिसेप्शन पे. कोई भी आया, कभी स्टूडेंट आ गया. गुड फैन हमारी बैकबोन है एक्चुअली. अच्छा, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वायरिंग में प्रॉब्लम है, लाइट में प्रॉब्लम है, इन्वर्टर में प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, इनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाता है. पॉसिबल क्योंकि यूट्यूबर्स के पास तो बेसिकली क्या रहता है सर, कभी लाइट चली गई, कभी कुछ हो गए, समस्या तो है ही है. और जैसे घर में मम्मी होती है ना, वैसे हैं हमारे हेमराज जी. अच्छा, हेमराज जी से स्पेशली मिलाना चाहूंगा. अच्छा, हेमराज जी का जो रोल रहता है वो मतलब हमें रात को रुकना होता था. हम लोगों की लाइव क्लासेस मैंने बताया 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे चल रही है. तो हेमराज जी एक ऐसे पर्सन है हमारे साथ जो हर वक्त हमारे लिए तैयार रहते हैं. कभी भी मतलब आपको हर चीज को लेके, हाँ, रात को 10 बजे भी आप फोन कर दोगे कि हेमराज जी आज तो हम रुकने वाले हैं, हेमराज जी घर पे भी हैं, तो हेमराज जी कहते हैं मैं आ रहा हूँ. अच्छा, और फिर हैं सुरेंद्र जी, ये दोनों टीम है और बैकबोन है हमारी. वेरी नाइस. हेमराज जी को लगभग 20 साल से जानता हूँ. 20 साल से हमारे जानने वाले हैं, एक रिलेटिव हैं, उनके स्कूल में काम करते थे तो हमें तो इन्होंने बचपन से देखा है और तब से हम सबसे साथ में. बहुत बढ़िया सर. तो रिलेशनशिप से ही कुछ चीजें बिल्ड होती हैं. बिल्कुल, साथ में लेके चलना होता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो और सर आ गए, आइए सर जी. तो सबसे पहले तो सर मैं पहला वाला स्टूडियो दिखाता हूँ आपको. जी यहाँ पर. अच्छा, सो यहाँ पर जो है बायोलॉजी क्लास चल रही है. आ जाइए आप लोग, आ जाइए. सॉरी सर, थोड़ा सा सर मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूँगा. सो सर आए हुए हैं महात्मा जी टेक्निकल, यानी कि अमरीश भारती जी आए हुए हैं. हाय सर. हाय एवरीवन. जी जी जी. तो सर देखने सर दिखा रहे हैं हमारा सारे के सारे स्टूडियोज बच्चों को. और बच्चे क्योंकि स्पेशली देखना चाहते थे स्टूडियो टूर Kelvin का, देखना चाहते थे कि बैक एंड पर किस तरीके से काम होते हैं, देखना चाहते थे चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है. सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपके. जीतू भैया, ये रही हमारी मूव. एक्चुअल में आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जनरली जो फेमस हुए या लोगों ने जो हमें देखा, लोगों ने हमें इसी बात से देखा कि यार जो Kelvin फैमिली है ये घंटों घंटों हमें पढ़ा रही है. तो घंटों घंटों की ताकत लाने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी. जैसे विनीत सर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, उनका घुटना बोल चुका था, आवाज़ें आ रही थी उनके घुटनों से. तो मूव की सर ज़रूरत हमें सख्त ज़्यादा. हाँ, मैं आया तो यहाँ पे जब हम लोग लाइव में थे तो मैं देखा मूव, तो मैं थोड़ा सा ना किसी की तबियत खराब हो, चोट वोट लगे होगी, तब सर ने बताया, सौरभ सर ने, नहीं सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत पढ़ाते पढ़ाते जाओ. ऑब्वियसली बात है, आप सोचो ना यार, एक टीचर 5-5 घंटे नॉन स्टॉप खड़ा, एक बार भी बैठने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो दर्द तो होगा यार. और वो दर्द जो रिजल्ट में आप लोग दे रहे हैं सर, उसी का मजा है. तो सर अभी पढ़ा रहे हैं लाइक अपना बायोलॉजी की क्लासेस ले रहे हैं जी. तो यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स है, थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ सर, थोड़ा बताएंगे इक्विपमेंट्स के बारे में कि एक्चुअली. तो सर ये हमारी सर स्क्रीन है जिसके ऊपर सर हम लोग लाइव लेते हैं. और फिर यहाँ पर ये दूसरी वाली जो स्क्रीन है इसमें हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं. ये पीछे जो CPU रखा हुआ है और यहाँ पर स्पीकर भी रखे हुए हैं. कभी हम लोगों को बच्चों की जो गूगल मीट पर भी कभी कभी हम बच्चों से मीट करते हैं तो बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए. ये कैमरा है और यही कैमरा मतलब हम इसमें सारे बच्चों को देख रहे होते हैं, सारे बच्चों के परिवार को देख रहे होते हैं. यही है हमारे लिए सारे के सारे बच्चे. और देखने के लिए सर ये रूम सुनसान लगता होगा, लेकिन हमारी जब एनर्जी अब वीडियो में देखी जाती है तो हम एनर्जेटिक इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि बच्चा ना उस वहाँ से हमें देख रहा है. ये जो एनर्जी है हम लोग यही लेकर के आना चाहते हैं. नहीं नहीं सर, बेसिकली इसी का तो मजा है. अल्टीमेटली देखिए, मैंने देखा है कि सर आप भी ये बात कह पा, आप सेम वही कह रहे हैं कि जब हम वीडियोस में आते हैं, हाँ, जब हम कैमरे पे आते हैं, हमारा दुख दर्द जो था ना, टेंशन, हाँ, वो सब दूर हो जाता है और लगता है फ्रेश हो गए. हाँ, वो एक मजा है और उसी का मजा हमें तो बाकी चीज़ों से मतलब ही क्या है. हमारे काम की चीज़ बस कैमरा है, कुछ टेक्नोलॉजी जो हमारी हेल्प कर दे, हाँ, और हमारा डिजिटल वो बच्चों को पढ़ाने के लिए. बाकी दुनिया जहाँ जैसे कर रही है बस हमारी जिंदगी यही है. और ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम, ये जो जगह है, ये वही जगह है हमने गद्दा डाल रखा था जब हमारी जो क्लासेस चल रही थी, लंबी लंबी क्लासेस चल रही थी. तो टीचर यहाँ पे पढ़ा, जैसे सचिन सर पढ़ा रहे हैं तो अब सचिन सर थक गए तो आगे यहाँ फैल जाएंगे और मैं वहाँ पर जाके खड़ा हो जाऊँ, क्योंकि पहले यहाँ पे फैला हुआ था, ये चल रहा था यहाँ पर, क्योंकि कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिव क्लासेस चल रही थी तो वो इसी तरीके से हो मतलब पा रही थी. अभी सर ने बताया कि तकरीबन एक बार इनका हाईएस्ट रिकॉर्ड है 18 घंटे की लाइव नॉन स्टॉप क्लासेस ली है.
तो आप सोचिए कितनी मेहनत की, लाइक कितने टीचर्स थे सर उसमें? सर नहीं, उसमें तो सिर्फ हम दो ही थे। दो टीचर मिलकर 18 घंटे की क्लास, आप और सौरभ सर। हाँ सर, सौरभ सर और मैंने की थी 18 घंटे की क्लास की थी। और उस 18 घंटे की क्लास में तो सर ये हमने टर्म वन में की थी, उसमें तो हम दोनों ही खड़े हुए थे 18 के 18 घंटे, हम दोनों में से कोई रेस्ट पे भी नहीं गया था भाई, मतलब एक साथ दोनों खड़े रहे। मतलब आप ये सोचिए कि 18 घंटे की क्लास नॉन स्टॉप खड़े रहना, मतलब क्या हुआ होगा उसके बाद? रात 12 बजे तक सर बहुत बुरा हाल हो गया होगा सर उसके बाद, रियलिटी बताना सर उसके बाद। सच में बहुत बुरा हाल हो गया था, हम लोग ऐसे हो गए थे, हमारी आंखें बंद हो रही थी और चलने में दिक्कत हो रही थी हमें, क्योंकि हम लोगों को क्योंकि नींद इतनी ज्यादा भरी हुई थी आंखों में, क्योंकि विदाउट रेस्ट हम लोगों ने सारा का सारा काम किया था, तो इस वजह से था। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अगले दिन मैथ्स का एग्जाम था और पेपर पैटर्न चेंज था, तो हम लोग लगातार लगे हुए थे बच्चों को डर ना लगे, बच्चों के साथ बने रहे। और हम उसी के बाद से पॉपुलर हुए। अच्छा, जो हमने कराया, एक हमने मॉर्निंग में सेशन रखा सुबह 5 बजे, जो जो हमने मॉर्निंग सेशन में लिखाया कि ये चीजें पेपर में आएगा, और एज इट इज पेपर में आ गया। उसके बाद से हम ह्यूजली पॉपुलर हुए और हम ग्रो करते गए। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब अच्छा काम स्टूडेंट को देंगे तो स्टूडेंट याद रखेगा। यहाँ पे कुछ मेरी पिक्चर्स आपको दिख रही होगी, हम लोग लाइव सेशन आज कंडक्ट कर रहे हैं, वीडियोस तो आप बाद में देख रहे हैं, यहाँ प्योर लाइव ही था, तो हम लोग कैल्विन क्लासेस पे लाइव भी थे, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ से भी आके कॉमेंट्स कर रहे होंगे, तो वो कॉमेंट करके बताना सर, पढ़ रहे होंगे उस टाइम कॉमेंट्स। तो ये कैमरा है सर, ये कौन सा कैमरा है जो आप यूज कर रहे हैं? सर X11 है जी, और कैमरा हमारे लिए मतलब बहुत बढ़िया रहा है, और इस कैमरे ने हमारा बहुत साथ दिया है। इवन हमारे जितने भी स्टूडियोज हैं उन सभी स्टूडियोज में यही वाला कैमरा रहा है। अभी मैं आपको और भी स्टूडियोज में लेके चलूंगा तो वहां पर दिखाऊंगा, सेम कैमरा है जी। तो बेसिकली ये वो कैमरा है जिसमें जो इसकी बैटरी है वो सीधा आप अटैच कर देते हैं, डायरेक्टली अटैच हो जाती है, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो कि बैटरी खत्म हो गई तो फिर दोबारा से कर रहे हैं, तो लगातार चार्जिंग में लगा रहता है, कंटिन्यूअसली लगा रहता है और अच्छा चलता है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, और किसी भी यूट्यूबर या टीचर्स के यहाँ जुगाड़ ना हो, यूट्यूबर नहीं बन सकता। जुगाड़ दिखा दो सर प्लीज, जुगाड़। ये मोटिवेशन पार्ट है कि यार देखो लाइफ में ना चाहे कितना भी आप अर्जित कर लो, आप सफिशिएंट है आज के डेट में, कैल्विन क्लासेस सफिशिएंट है, जितना बच्चों का प्यार मिल रहा है, एक अच्छा स्टूडियो डेवलप, बट उनका मेन मोटो अभी जो है वो एजुकेशन पे है, ग्रोइंग पैंट टीम डेवलपमेंट, बाकी की टीम आपकी कर रही है वो चीज, बैक एंड पे चल रही है, लेकिन जुगाड़ हर जगह रहना चाहिए, किसी भी लेवल पे जान है, जुगाड़ जान है किसी भी लेवल पे। और ये मेरे ख्याल से ये पूरा सेंटर और जो अट्रैक्शन है वो यहाँ है, किताबें। अच्छा, मैं इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ सर, बच्चों का जैसे हमारे लाइव सेशन खत्म होते थे, बच्चे बोलते थे कि सर PDF। तो टीचर जनरली क्या होता है, एक क्लास खत्म होने के बाद दूसरी क्लास होती है तो भूल जाता है। देखो आपके पीछे ना यहाँ पे हम लोगों ने लगा रखी है, एवरी लाइव सेशन PDF सेंड टू दिस मेल आईडी, मतलब टीचर जो है वो भूल जाते हैं क्योंकि अगली उनकी क्लास होती है, तो हम लोग यहाँ पर लगा के रखते हैं, हर स्टूडियो में हम लोगों ने ये चीज़ लगा रखी है, क्योंकि बच्चे जो हैं तुरंत के तुरंत मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, सर PDF कहाँ है हमारी, PDF कहाँ है हमारी, वो जरूरी है नोट्स। PDF तो ऐसे मान लीजिए गोल्ड है उनके लिए, मतलब PDF नहीं मिली तो आपको सोने नहीं देंगे आपको। सौरभ सर जो है बच्चों के साथ फुल्ली कनेक्टेड रहते हैं, मतलब अगर उन्हें पता है कि अगर उन्हें कोई भी जरूरत है तो उन्हें कहाँ घंटी बजानी है, टेलीग्राम पर हर एक बच्चे के साथ कनेक्टेड है सौरभ सर, ठीक है। तो सर के पास सर को वो जाने नहीं देंगे यहाँ से रात को, और सर भी नहीं जाएंगे, वो भी ऐसे बैठ जाते हैं कि भाई मैं बैठा हूँ यहाँ पर, जब तक PDF सारी नहीं डलेगी मैं घर पे नहीं जाऊँगा, वरना बच्चे मुझे सोने नहीं देंगे। अच्छा, अब ये पीछे आवाज आ ही गई है तो ये भी दिखा दिया जाए, ये वो लाइट्स हैं जिनसे जो एक्चुअली क्वालिटी आपके पास आए। सो आगे बढ़ते हुए जाने से पहले थोड़ा बैक एंड की चीज़ें देख लें कि एक्चुअली किसी को अगर अपना खुद का सेटअप बनाना हो तो ऐसी लाइटें जिससे यू नो अपसाइड जो यहाँ पे जो डार्क आता है जी, तो ये चीज़ ना आए, फिर इस साइड भी 3-4 ट्यूबलाइट्स है, देखिए यही मेन एक्चुअल है। मैंने देखा है सर बड़े से बड़े क्लासेस में भी जो बहुत ज़्यादा हाईटेक में कर रहे हैं उनके पास भी ट्यूबलाइट्स ही लगी हैं, ट्यूबलाइट्स ही लगी, ये मेन चीज़ होती है। तो ये ट्यूबलाइट्स इधर है तो इस साइड से आ जाए, एक उस साइड से आ जाए और नीचे से आ जाए, और थोड़ी बहुत लाइटें ऊपर है, बेसिकली डिजिटल बोर्ड में ना दिखे, कैमरे से डिजिटल बोर्ड में कोई लाइट्स ना दिखे, ये आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। तो ये वाला तो समझ आ जाता है, यही कुछ लाइक 1 मीटर से थोड़ा सा कम है हर जगह। तो ये लाइटिंग है, कैमरा और डिजिटल बोर्ड आपने सर का देख ही लिया, और बहुत अच्छे से सर काम कर रहे हैं। तो ये एक सर का, ये एक स्टूडियो है, आते हैं सर बाकी के टीचर को भी देखिए सर, थैंक यू सो मच सर। तो इस रूम की सर एक स्टोरी है, सबसे पहले हमने ये वाला रूम सेटअप कर लिया। अच्छा, और हम लोगों ने बैचेस में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, अब से हमारे पास वॉचिंग नहीं। शुरू में पहले दिन देख रहे हैं कि हाँ 100 बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि कोरोना का टाइम था, उनको सबको लग रहा था एग्जाम कैंसिल होने तो पढ़े क्यों, बड़ा क्लियर होता है बच्चे का माइंड, तो बहुत दुख हुआ। अब 6 बच्चे 7 बच्चे पढ़ रहे हैं लाइव में, और हम पूरी टीम को लेके लगे हुए हैं। फिर फाइनली हम दोनों यहाँ पर, दीपावली का दिन था, दीपावली से 2 दिन पहले की बात है, पूरे स्टाफ की छुट्टी, हम दो लगे हुए हैं। हमने कहा क्या करना चाहिए, हमारे दिमाग में क्लिक किया कि एक काम करते हैं, ये लाइव बंद करते हैं, क्योंकि इनको तो पढ़ना नहीं है,
कुछ असर्स डेवलप करते हैं। हमने काम करना स्टार्ट किया, PYQ उठाया, PYQ डेवलप करते हैं, हमने 12th क्लास का और 10th क्लास का PYQ रिकॉर्ड कर डाला, मतलब वीडियो सॉल्यूशंस कर डाला पूरा। और वो जो असेट थे इस साल हमारे काम आए, इतने भयंकर तरीके से काम आए कि आज की डेट में हम 2.5 लाख सब्सक्राइबर पर हैं, 50,000 जो हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। वेरी नाइस। और सर ये जो हमारा जो जब लाइव ये वाला चलना शुरू हुआ ना, तो उससे पहले हम YouTube पर 5 बैच चला करके फेल हो चुके हैं हम हमारे। हाँ मतलब देखिए, हर एक की सक्सेस स्टोरी के पीछे फेलियर तो रहता है ही, जरूर हर चैनल पे, बट हाँ उससे सीखने को मिलता है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर, अभी एक का टाइम टेबल यहाँ पर पड़ा हुआ है। सो मैं अभी जस्ट मैंने देखा यहाँ पर, ये 10th क्लास का हम लोगों ने बैच शुरू किया था सर, तो हम इसमें मंडे से लेकर के सैटरडे तक पढ़ाते थे, डेली 2-2 क्लासेस देते थे, लेकिन बच्चे नहीं आते थे इसमें। अच्छा। हम डेली पढ़ाते थे, हम डेली लाइव आते थे, और हम लोगों ने 12वीं के लिए पढ़ाया, 12वीं के लिए हम लोगों ने संपूर्ण बैच बनाया, JEE के लिए मुमकिन बैच बनाया कि हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, बट लेकिन उस साल का जो माहौल था, वो साल का माहौल था ही नहीं शायद पढ़ने वाला, बच्चों को लगता था एग्जाम ही नहीं होंगे, पेपर कैंसिल होंगे, पेपर कैंसिल। और एक्चुअली ये पता क्या था, मैं एक्चुअली पता नहीं आप लोग मेरी बातों से रहेंगे कि मैं भी स्टूडेंट ओरिएंटेड ज़्यादा रहता हूँ, बहुत सारे टीचर ऐसे भी थे जो सपोर्ट भी कर रहे थे कि पेपर कैंसिल करवा दो। मुझे लगता है पता नहीं वो किस दुनिया में जी रहे थे, उन्हें लगता था कि कोरोना जिंदगी से कभी जाएगा ही नहीं, मतलब वो चाहते थे कि रहे हमेशा। और बच्चा क्या यार, उसको तो बच्चा क्या, सर भी बच्चे थे, इनको भी पता है कि एग्जामिनेशन, ये खुद चाहते थे कोई घटनाएं हो जाए ना, पेपर ना दे पाए क्या, मैं भी चाहता था यही, ये भगवान को जैसा करवा दो, मैं तो प्रे करता था 7वीं में 8वीं में पेपर से पहले, कुछ ऐसा करवा दो यार, ये कुछ तिलस्मी सा करा दो, खत्म हो जाए दुनिया, पेपर कैंसिल हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, दुनिया जाए। ये हकीकत है, तो बच्चों की गलती नहीं थी, बट टीचर्स जो माइंड सेट है थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे थे उनको ये करने के लिए, वो आई थिंक गलत कर रहे थे। आइए सर इधर दिखाते हैं। जी जी सर, आपको पहले हम अपनी टीम से मिलवा देते हैं। जी वेलकम सर। ये सर वो टीम है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। स्ट्रॉन्ग पार्ट क्यों? सर्विस। सर मुझे नहीं लगता कि आप सेल्स करके उसको डेवलप कर सकते हो, सर्विस सबसे ज़्यादा जरूरी है। रात को दो बजे भी अगर बच्चे का कॉल आता है, बच्चे का मैसेज आता है, तो ये वो लोग हैं जो उनको रिप्लाई करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। अभी भी सर बच्चों से बात कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है कि ये कोर्स परचेज नहीं हो पा रहा, ये वाली दिक्कत आ रही है, या इस कोर्स में आपको ये नहीं मिला, अच्छा चलो ये लो साथ में, इस सौरभ सर से बात करनी है, सचिन सर से बात करनी है, इमीडिएट बेसिस पे ये लोग सारी चीजें डील करते हैं। आप देखिए इस टाइम पे इंगेज है सारे के सारे। इवन जो हमारे यूट्यूब सेशंस होते हैं, बच्चे हमारे साथ अटैच क्यों हैं, उसका सिर्फ एक रीजन है, उनको ये पता है कि सचिन सर और सौरभ सर का ना हम ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे हैं। मतलब उन्हें अगर ये हुआ ना कि सेशन खत्म हुआ है, भाई PDF नहीं आई, तुरंत के तुरंत कुशल के पास सीधा कॉल आएगा, सर PDF नहीं अपलोड हुई। और अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, 2.5 लाख बच्चों की जिन्हें बिल्कुल भी ये लगता है कि केल्विन तो हमारा बिल्कुल घर जैसा है यार, हम तो तुरंत फोन करके बोल सकते हैं। अपनापन होता है ना, वही बच्चे जुड़ते हैं सर। बच्चे ना सर से कम भैया ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा प्रेफर समझते हैं। मुझे अब तक जो मेरे टाइम पे भी लगा, भैया ज़्यादा वो कनेक्ट हो पाते हैं, दर्द बता पाते हैं, क्या समस्या है क्या नहीं, तो बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस। और आफ्टर जो बच्चे जुड़ने के बाद जो मेन सपोर्ट सिस्टम होता है वो बहुत बढ़िया होता है, जो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और आपने सर के बारे में, अभी कैमरा तो बाद में शुरू हुआ, उससे पहले भी चीज़ें होती हैं, जैसे बताया कि रात रात भर जब टाइम रहता है तो 12-12 बजे तक रुकते हैं और चीज़ें सपोर्ट करते हैं हर जगह है। सर देखिए, 1-2 प्लेयर आपको अपनी टीम में बनाने पड़ेंगे जो इस टाइप का सपोर्ट लेगा। मेरे टीम में भी ऐसे लोग हैं जो रात को 12 बजे 1 बजे लोग लगे रहते हैं, डांट वो ज़्यादा खाते हैं हमसे, मैं आपको पता नहीं आपके कैसे ट्रेनिंग है लेकिन मुझे पता है यार, दे आर द हेल्पिंग, मतलब यही बैकबोन है हमारे साथ। तो सॉरी सर, आप लोग लगे डिस्टर्ब नहीं करते ज़्यादा। जी जी जी, इसके बाद से चलते हैं दूसरे स्टूडियो की तरफ। जी, तो पहला देख रहे हैं सर, दूसरे स्टूडियो, दूसरे वाला स्टूडियो कौन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो चलिए सर। सो सर, मैं आपको 1 मिनट के लिए रुकना चाहूँगा। सो सर, हेलो सर, सर हैं महात्मा जी टेक्निकल से। थैंक यू सर। तो प्लीज सर, यस, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ सर, आप जी 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 जी। तो थोड़ी देर के लिए मैं बच्चों को भी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, राइट, कि हमारे साथ अमरेश भारती सर हैं जो कि महात्मा जी टेक्निकल से हैं, और लाइव है सर अभी इस टाइम। जी जी, वेरी नाइस। सो ये हमारी क्लास चल रही है बच्चों, सो हम चाहते थे कि क्योंकि हम लोग दूसरे स्टूडियो में हैं, दूसरे स्टूडियो में आपके तरन सर क्लास ले रहे हैं, तो सर हमने ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं किया। तो सर प्लीज़ सो सर, ये भी बिल्कुल इसमें, इस वाले स्टूडियो में बिल्कुल सेम है, यहाँ से देखिए वही लाइट वाला सिस्टम है, वहाँ पर 4 ट्यूबलाइट लगी थी, यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके की लाइट्स लगा रखी है, मतलब इट्स ऑल अबाउट जुगाड़ हम लोग यहाँ से जिस तरीके से लगा। बेसिकली अल्टीमेटली क्या होता है, जब चीज़ें, ये चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं बनी थी जी, इसने हमने इसको लेकर फिर अपने अकॉर्डिंग बनाया है। जी सर, तो फिर अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे तो जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा,
तो ये हकीकत हमने भी सर ऐसे ही किया था, हमने जब शुरुआत में अपना जो बनाया था फिर अपने अकॉर्डिंग, अब जो दूसरा लिया उसमें हमने बहुत सारी चीजें स्ट्रक्चर करी लेकिन वहां भी कुछ जुगाड़ डाला है जुगाड़ जुगाड़ के चलता नहीं है। सो थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे, मैं जब से आ रहा था तब से आप लगे हुए थे चीजों पे, और बहुत बढ़िया मॉडल है सर का, हर जगह क्लासेस और कैमरे जहाँ पे सर ने बिल्ड करा हुआ है कि भाई 18 घंटे यहाँ भी पढ़ाए जा सकते हैं जी, तो हर जगह ये मॉडल बिल्ड है, प्लेटफॉर्म है सर सोने के लिए, ये यहाँ ये यहाँ का सोने वाला है। अच्छा, आ जाओ यहाँ का वाला बेड दिखा दो, आप बेड दिखाओ सर, ये यहाँ वाला सोने वाला है, जब भी किसी को सोना होता है तो वो यहाँ पर आकर के लेट जाते हैं, यहाँ पर आकर के सो जाते हैं, और ये हमारा फ्रंट लाइट है, जैसे वहाँ पर लाइट्स थी यहाँ पर भी ये वाली लाइट्स हैं ताकि इधर की तरफ लाइट, ये बटर पेपर है जिससे वो डिसॉल्व हो सके, लाइट जो है वो फैले थोड़ा अच्छे से, हार्श लाइट ना आए, राइट हार्श लाइट, मैं देख भी रहा हूँ लाइक डिस्प्ले में बहुत अच्छा क्वालिटी आ रहा है जी, और एक अच्छा ग्रूमिंग दिख रहा है हर जगह, लाइटिंग भी प्रॉपर हर जगह आपके चिन के नीचे में सब जगह, तो बेटर क्वालिटी हर चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह ले, स्विचेस बहुत लगे हुए हैं तो वो चाहिए ही होता है सर, मैंने भी ऐसे भर रखा है, मेरा तो इलेक्ट्रिशियन पागल हो चुका है कि भाई तुम करना क्या चाह रहे हो, हर जगह बटन चाहिए, वहाँ चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, पता है ये अलग ही दुनिया के लोग। और देखो सर यहाँ पर भी हम लोगों ने यही चीज़ लगा रखी है कि भाई पीडीएफ जरूर भेजनी है, पीडीएफ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पीडीएफ ज़रूर भेजनी है। वेरी नाइस सर, अच्छा मॉडल सर ने बिल्ड किया हुआ है, और ये था सर आपका दूसरा स्टूडियो, वेरी नाइस। एक स्टूडियो का विजिट और कराते हैं, अच्छा ये एक और स्टूडियो है खाली है जी, क्योंकि एग्जाम हो गए हैं तो थोड़ा सा फ्री हो गया है तो वो आपको दिखाते हैं, और इसके साथ साथ हम कुछ बुक्स वगैरह दिखा देते हैं। हाँ। ये सारी वो बुक्स हैं जो बच्चों को जिनकी जरूरत पड़ती है, जहाँ से मुझे लगता है थंबनेल सर इसी को बनाया जाए ऐसे करके पीछे से जाके, और सर एक बार इसको दिखाइए ठीक से, दिखाइए इनको दूर से ही दिख जाएगा सर, बच्चों को दिखेगा कि ये सर मैथ्स का सेगमेंट है सारा, तीन रैक है यहाँ पे और स्लाइड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेयर पे। ये फिजिक्स का सारा सेगमेंट है, ये केमिस्ट्री का सेगमेंट है, और आपको मैंने एक जगह और दिखाई थी जहाँ पर बुक्स पड़ी हुई है बहुत सारी, ये सारी बच्चों के लिए है, अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट डेवलप किया जाता है, मतलब कॉन्टेंट के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, परफेक्ट कॉन्टेंट जो एक बच्चे को मिलना चाहिए और वो हम डिलीवर करते हैं। लाखों की किताबें सर यहाँ पे है ना, लाखों की किताबें, और मैं एक लाइन सुनी थी मैंने कि कपड़े भले पुराने पहन लेना लेकिन किताबें हमेशा नई रखना अपने जीवन में, इससे नया ज्ञान मिलता है। बहुत अच्छी सर आप बच्चों के लिए सारी चीज़ें लाते हैं, बुक्स वगैरह, और ऑब्वियसली किताबें पैसों से आती हैं, है ना, इसके पीछे पैसा खर्चा होता है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा बहुत से इंटरनेट पर नेगेटिविटी लोग होते हैं जो ज्ञान करते हैं, हर चीज़ें ना लगना पड़ता है, थोड़ी चीज़ें तो देनी पड़ती है, जो दिख रहा है सामने सर ने बहुत कुछ चीज़ें बिल्ड करी हैं। और जी आइए सर, एक और स्टूडियो है इसको भी विजिट करा देते हैं जी। अभी तो सकी हुई क्लासेस नहीं है जी, तो ओवरऑल हम ही लोग यहाँ पर बैठे हुए थे अभी, चार कुर्सियाँ लगा के चाय वाई चली है, फुल सैंडविच हमने खाया दवा के, तो यहाँ पर भी ओवरऑल बिल्कुल वैसे ही सिस्टम है, वही डिजिटल बोर्ड, जुगाड़ वाली लाइट, सर जुगाड़ लाइट थोड़ी है, बहुत एक्सपेंसिव लाइट है, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कुछ लोग जाएंगे दुकान पर फिर हमें गाली बकना शुरू कर देंगे, मामू बना दिया जुगाड़ बता रहे थे, जुगाड़ बताया मुझको। लेकिन सर ये जुगाड़ वाली लाइट से करियर डिसाइड हो रहा है बच्चों का, फ्यूचर बन रहा है उनका। देखिए जुगाड़, हाँ जुगाड़ नहीं बोलेंगे, ये अच्छी लाइटें हैं लगाई गई हैं, जो अल्टीमेटली मोटो क्या है, बच्चों तक एक सही तरीके से क्लास पहुंच जाए, बच्चा आराम से हमारी आवाज़ सुन पाए जी, हमें देख पाए, डिजिटल बोर्ड को देख पाए, जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ पाए। हाँ। उसके लिए जो इक्विपमेंट्स की जरूरत है उसके काम की चीज वही है, राइट। अगेन यहाँ पर भी वो बोल रहे हैं पीडीएफ वाला की पीडीएफ जाना चाहिए, जाना चाहिए क्योंकि पीडीएफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और फिर उसके बाद वही सेम है, कैमरा सेम है, सीपीयू सेम है, एंड एवरीथिंग इज सेम जो हर जगह पर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चल रहा है, अभी कुछ टाइम पहले सर हम लोग आईपीएल चला रहे थे, तो उसमें क्या होता था कि हम आईपीएल में बच्चों को यहाँ पर दो टीम बना देते थे, मैथ्स की और साइंस की, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो उसमें कंपटीशन रहता था, बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता था आईपीएल का पूरा चलता था, कि कमेंट्री भी डालते थे कि आज 6 लग गया, 4 आ गया है, सो यहाँ से बैठ करके हमारे द वन एंड ओनली तरन सर वो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे ओबीएस में, तो वो सारी चीज़ें चलती थी, यहाँ पे बैठे रहते थे, यहाँ पर हम लोग करते रहते थे। परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो मैं जानना चाहूँगा सर, एक्चुअली ये जो मॉडल है, अगर किसी टीचर को ही शुरू करना है जी, मान लीजिए हमें देख के कोई इंस्पायर हो रहा हो इस वीडियोस को, ओके, और शुरू करें, तो क्या खर्चा आ सकता है एक सिस्टम को बिल्ड करने के लिए? अगर सर हम बेसिक सारे इक्विपमेंट्स की बात करें, तो सर डिजिटल बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया और कंप्यूटर, ये तीन चीज़ें तो सर चाहिए ही चाहिए, और एक सामने भी डिस्प्ले चाहिए आपको, मतलब उसी कंप्यूटर का आप डिस्प्ले रख लो जी, जो कंप्यूटर आपने लिया उसी का डिस्प्ले रख लो, कोई अदर से डिस्प्ले ना लो, ठीक है। तो इतने में जहाँ तक है कॉस्ट पड़ेगा 3.5-4 लाख का, साढ़े तीन मतलब 4 लाख, ये 2 लाख का कितना,
मोटिवेशन स्पीकर या फिर स्किल ओरिएंटेड वाले लोगों के लिए क्वेश्चन चल रहा है, लंबा चल रहा है तो दिक्कत आ जाएगी। ये 75 इंच इनफ रहता है और कैमरा जो है तकरीबन 80 के करीब का होगा सर ये? जी सर, ये इस वक्त सर इसका प्राइस, अभी हम लोग और भी स्टूडियो बना रहे हैं तो अभी जब मैंने इसका प्राइस पता किया तो सर 90 से 95 चल रहा है। 90 से मतलब लाख के अंडर में आएगा, बाकी छोटी मोटी इक्विपमेंट चाहिए होगी, वायर केबलिंग तो वो आ गया। और सस्ते कैमराज भी मार्केट में है अगर कोई डेवलप ही करना चाहता है, एक्चुअली उसकी विल पावर पर डिपेंड करता है, अगर वो सस्ते अरेंजमेंट करेगा जी जी जी। तो भी पॉसिबल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर आप 60-70 लगा रहे हो तो एटलीस्ट ट्राई एंड टेस्टेड बजाओ, 10-20 हज़ार और जुगाड़ कर लो, पर 90 बजाओ जो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ सर काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो मतलब जिस चीज़ में रिव्यू टेस्टेड हो चुका है और 10-20 हज़ार का गैप है तो फिर क्यों टेंशन लेना। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब हम लोगों ने पहला स्टूडियो बनवाया था तो हमारे साथ माइक का इशू था सर जी। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि हमारा बजट बहुत टाइट था जब हम लोगों ने पहला स्टूडियो बनवाया था, तो हम या तो माइक ले आते हैं, माइक अगर आप सैनाइजर का देखेंगे आपके स्टूडियो में सैनाइजर का माइक है, अब वो 25-30 हज़ार का माइक था तो हम लोग 25-30 हज़ार की जगह पर हम लोग दूसरी चीज़ लाना प्रेफर कर रहे थे, हमें कुछ पीसीज में कुछ कॉन्फ़िगरेशन बढ़ानी थी, तो हम लोगों ने कोटक के माइक शुरू किए। और एक्चुअल में हमें मना किया गया था जब हम लोगों ने बोर्ड लिया था, तो हमें मना किया गया था कि कोटक वाला माइक मत यूज़ करना, ये लायबल नहीं है, चल नहीं पाएगा। और मैं आपको बता दूं हमें 1.5 साल हो चुका है सर और हम कोटक के माइक ही यूज़ कर रहे हैं, और मतलब अफोर्डेबल होते हैं और आराम इजी टू यूज़ होते हैं। सर कोटक वाले, सर कोटक वाला माइक अगर आप दो वाला लेते हो, क्योंकि हम लोग दो टीचर एक साथ पढ़ाते हैं तो इसलिए ये वाला माइक पड़ता है सर 2400-2500 रुपये का, और जो सिंगल वाला होता है सर वो 1100-1200 रुपये का, तो बेटर है। मतलब मुझे लगता है बोया से काम, मैंने जो अभी तक रिस्पांस सुना है मुझे लगता है सर बोया वाले से थोड़ा सा इसका लोग अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। हाँ लोग अच्छा, हमने तो सर बता तो रहा हूँ 18 घंटे वाली जो क्लास है वो भी इसी से हुई है, और इस जो पिछले एक महीने से जो हम लोग डेली 12-12 घंटे की क्लास कर रहे हैं वो भी इन्हीं से चल रही है सर, तो बेसिकली आप इस पर जा सकते हैं राइट सर। रफ एंड टफ है, हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से खराब ही नहीं होगा, ये खराब होगा, खराब सस्ता है, खराब तो होगा ही ना, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए मुझे लगता है। और ये अपना जो सिस्टम है सर, आपने ये जो सिस्टम बिल्ड किया हुआ है इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आप डाल रहे हैं बेसिकली एक लाइव क्लासेस के लिए? अगर आपको लाइव क्लासेस के लिए कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आपको मिनिमम 8 GB रैम तो चाहिए ही होगी, और जब आपको लाइव जाना होता है तो आपको ना कैप्चर कार्ड चाहिए, हालांकि कोई बंदा और करेगा तो वो एडिट भी करेगा वीडियो को, तो वो ग्राफिक कार्ड भी जरूर डलवाए, ठीक है। मिनिमम 4 GB का ग्राफिक कार्ड, मिनिमम 4 GB का कैप्चर कार्ड और इंटरनल स्टोरेज और SSD भी होनी चाहिए। SSD तो इसके साथ जहाँ तक पूरा का पूरा PC पड़ेगा 70 से 75 अगर आप ग्राफिक और कैप्चर कार्ड दोनों विदाउट मॉनिटर पड़ेगा मेरे से। हाँ विदाउट नहीं नहीं सर, मॉनिटर वॉनिटर सब आ जाएगा, मतलब 70 से 75 में आपको सब कुछ सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। परफेक्ट सर, तो ये बेसिकली ये एक सिस्टम है, तो दो तीन चीज़ें हैं, मतलब अगर आपको लाइव भी जाना है तो बहुत कुछ समझना नहीं है, एक कैमरा चाहिए जो कि अटैच पूरा अपना बैटरी भी उसमें अटैच रहती है, एक PC बिल्ड करना है सर ने बता दिया, मॉनिटर सामने, और एक डिजिटल बोर्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है हम लोगों के लेवल पे, आप लगता होगा कि नहीं यार ले लेंगे जो हम समझ पा रहे हैं, बट एक इनिशियल जो टीचर स्टार्ट करना चाहता है, कल ही एक सर मिले थे तो उनको लग रहा था ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि 1.5 लाख रुपये सर एक बड़ा होता है मतलब, और उसमें सिर्फ बोर्ड आना है उसके बाद फिर ये सब चीज़ें आनी है तो लेकिन हाँ ये है कि अगर आपका विजन थोड़ा दूरदृष्टि है और आप ऑफलाइन में अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ सेविंग कर रखी है, तो लगा के शुरुआत कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर कोई जो इतने सारे लोग हमें देखेंगे इस वीडियो को देखेंगे, कोई यंग बंदा या कोई एजेड बंदा जो ऑफलाइन ऑलरेडी चला रहा है, अगर किसी भी तरीके से हमसे सपोर्ट मांगेगा कि हमें हेल्प कर दो, किस किस तरीके से डेवलप किया जाता है, तो हम उसके लिए ओपन है, वेरी नाइस, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। मतलब वो फ़ोन करेगा, हम उसे बता देंगे भी ऐसे ऐसे चीज़ों को अरेंज किया जा सकता है और आप सस्ते में एक स्टूडियो डेवलप करके पढ़ा सकते हैं। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। और इसी के साथ एक चीज़ और भी आती है सर, चलते रहते हैं जी जी जी। और मतलब एक गाना सुना था मैंने जी, इबादत कर इबादत करन नाल, गल बनती है किसी दी आज बनती है किसी कल बनती है, तो आज बनेगी कल बनेगी लेकिन बात जरूर बनेगी, और बात बनाने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, उसके लिए हम लोग 24/7 रेडी रहते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये स्टूडियो हमने तीसरा देख लिया सर, स्टूडियो जी सर, तीसरा स्टूडियो आइए सर। अब आपको कुछ स्टाफ से मिला देते हैं कि छुट्टियाँ चल रही हैं, अच्छा तो छुट्टियों की वजह से बाहर हैं लोग, अच्छा हमने कहा घूम आओ तुम लोग, फिर से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं या 30 तारीख से हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, ओके तो हमने कहा आप लोग घूम आओ और फिर से वापस मेहनत करनी है। वेरी नाइस सर, तो इधर हमारी एक पेड बैच की क्लास चल रही है,
भरत सर हैं जी, जो कि आई थिंक हमारी ऐप के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आई थिंक, IIT JEE को पढ़ा रहे हैं सर, मेडिकल ड्रॉप का बैच चल रहा है जिसको सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। इधर EDP में ये ज्योति मैम है जो बहुत सारे काम देखते हैं, और ये जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था बैकबोन है EDP डिपार्टमेंट की, जितनी PPT बनती है, जितना कंटेंट बनता है, सब डेवलप हमारे अक्षय सर करते हैं। तो अक्षय सर को दिखाया जाए स्पेस में, बिल्कुल इनको दिखाया जाए, पूरे कैमरे में इनको लीजिए, इनको लीजिए तो सर मतलब बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली जो समझ पाया हूँ कि हर YouTube वाले एक स्टूडियोज में एक दो बंदे ऐसे होते हैं जो मल्टीटास्किंग वाले होते हैं, बिल्कुल वो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो क्या होता है कई बार हमने जो अनाउंस कर दिया वो कौन संभालेगा, एक बंदा नहीं है तो कैसे, हाउ यू मैनेज सर, मुझे भी वो टिप्स दीजिए, मतलब हम तो चाहिए सर। यहाँ सब फैमिली हैं और यहाँ सबके सब मतलब ऐसे काम करते हैं जैसे कि अपने घर का ही काम हो, या किसी के पास भी मतलब जिम्मेदारी की कमी नहीं है। दिक्कत क्या है ना सर, यूट्यूबर जब शुरू होता है वो घर से ही शुरू होता है, मम्मी हेल्प कर देती है, पिताजी आपने वीडियो देखा हो रील में, पिताजी लाइट लेके खड़े हैं, आजकल वो जो चल रही है इंस्टाग्राम मेरा रील, तो ऐसा माहौल बन जाता है कि हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा वो जो ऊपर लेवल की होती है वो ला नहीं पाते हैं, और मज़ा फिर उसी का है जो 1-to-1 पर्सनल दोस्त यार बन के रहे। सो वेरी नाइस सर, तो ये पूरा सिस्टम वगैरह बैक एंड आप देखते हैं जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इधर टीचर्स लोग बैठते हैं जो भी अभी छुट्टियों पे जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा चुके हैं, इधर मेडिकल वाले टीचर बैठते हैं, यानी कि जो MBBS की प्रिपरेशन होती है उसके लिए कुछ बुक्स जो है मैंने और सचिन ने मैथ्स की और फिजिक्स की यहाँ पर रख रखी है, बायोलॉजी की, कई बार क्या होता है हम भाग के उस रूम में नहीं जा पाते, यहीं बैठे कंटेंट डेवलप करा रहे हैं, तो इमीडिएट बेसिस पर यहाँ से जो जरूरी जरूरी बुक्स होती हैं उठाई और कंटेंट पर लगा दी, तो ये इस तरीके से इमीडिएट बेसिस शर्मा ये होता है छोटी भूख की, छोटी भूख जी। फिर इधर भी यहाँ पर एक मन्नू सर हैं, मनीष सर के नाम से, वो बैठते हैं, छुट्टी पर भेज दिया आजकल हमने उनको, रेस्ट करिए। ये वो कोटक वाला कैमरा yes, exactly. वाला तो आप देख सकते हैं, ये कैमरा ये सॉरी माइक है, माइक है जिसे यूज किया जाता है। यहाँ भरत सर और विनीत सर बैठते हैं जी, जब जब खाली, तो आज विनीत सर छुट्टी पर है, वो भरत सर वहाँ पर क्लास ले रहे हैं जी। तरन सर, देन ये सौरभ सर हैं, बच्चे पहचानते होंगे, तो ये सौरभ सर यहाँ भी है ना, ये अच्छा मतलब और बराबर में बैठते हैं सचिन सर। अच्छा ये सचिन बड़ा अच्छा कीबोर्ड लिया हुआ है सर आपने सर एक्चुअल में क्या कि ये सस्ता मिलता था सस्ता मिल रहा था तो ये ले लिया हमने। अच्छा और ये रिमोट सर किस प्रेजेंटर, ये प्रेजेंटर है तो आगे वाला जैसे अगली स्लाइड पे जाना है तो उसके लिए, तो ये बाहर से लेना पड़ता है कैसे, बाहर से मिल जाता है 2-2.5 हज़ार रुपये का बाहर से मिल जाता है, और उसी सेम स्लाइड को आगे कर देता है बटन दबाने से। इसका ना एक दूसरा पोर्ट आता है वो उसमें लगा दीजिए बोर्ड में। अच्छा USB वाला पोर्ट आता है, परफेक्ट सर। चलिए तो इसका मैं भी एक आज से अपने डिजिटल बोर्ड पर शुरुआत करता हूँ। ये सर हमारा वो रखा हुआ है। अच्छा अरे हाँ इनको भी सर हमारे साथ ही, हम भी इसी दौर में थे, मेरे को स्किलिंग इंडिया अवार्ड मिला था, हम लोग मिले थे। किंग ऑफ क्या लिखा हुआ है सर, किंग ऑफ डाउनलोड्स। अरे हमारे सर काफी कम टाइम में 50,000 डाउनलोड्स हम लोगों ने क्रॉस किए थे इन लोगों की वजह से, यूट्यूब फैमिली की वजह से, हमारी यूट्यूब फैमिली की वजह से। सो उस पर मिला था, और इसी अवार्ड की जब हम लेने गए थे जब इस अवार्ड को, तब हमें सर मिले थे वही हमारी मुलाकात हुई थी इनसे, और मुलाकात बहुत बढ़िया होती गई। हाँ फिर मुलाकात गहरी होती, फिर 2-3 बार मिले। ये वीडियो ऐसा नहीं कि हम लोग वीडियो बनाने के प्रोस्पेक्टिव से आए थे, ऐसा कुछ माइंडसेट था भी नहीं कि ऐसा कुछ करेंगे, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं तो जहाँ जाता हूँ कैमरा साथ ही रहता है मेरे जनरली, हम तो ब्रेकफास्ट करने के मकसद से एक बार और मिले थे हम लोग, आप जिन लोग इंस्टाग्राम पे देखेंगे आप सर आप भी आए थे, हम लोग मिले वहाँ पे, चिटचैट हुई, तो आज भी हुआ, तो मैंने कहा चलो यार आज तो अब तो बच्चों के सामने आना चाहिए, साथ साथ में काफी टाइम रहते हैं। तो ये है सर आपका पूरा बैक एंड जहाँ पे टीम है और सारी चीजें, कुछ पीछे आप बोर्ड पर देखिए जी, ये प्लानिंग्स चलती रहती हैं जी जी जी, जैसे कि लाइव क्या होना है, वीडियो कौन सी बननी है, क्या चीजें हैं, कैसे हैं, वो सारी की सारी चीजें, कितने बजे क्या चलना है, क्या नहीं चलना है। ये अगेन ये भी माइक रखा हुआ है, ये सी का डब्बा रखा हुआ है, तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब ये वो प्लान है जो अगर किसी पर्सन को वीडियोस बनानी हो लिख देता है, बस बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि आज किस किस की किन किन की क्लासेस होंगी। जी जब से एग्जाम खत्म हो गया, मैथ्स का एग्जाम खत्म होने के बाद मैं कैमरे के सामने नहीं गया हूँ, अच्छा मैं बैकएंड पर आ गया हूँ, और मैं बच्चों को दिखाना चाहता हूँ मैं कहाँ हूँ, गायब कहाँ हूँ। बच्चों को पासवर्ड दिख जाएगा कि कैलेंडर में क्या पासवर्ड है, ये सब टाइम टेबल बन रहा है। आप देखिए यहाँ से ये जो अब 30 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उसका टाइम टेबल बन रहा है, यहाँ पर योद्धा बैच, जीत बैच, यलगार बैच, विक्रांत बैच, और सबका टाइम टेबल देखिए इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, विक्रांत ह्यूमिलिटी। और मैं इसी उधेड़बुन में लगा हूँ किस तरीके से टीचर्स को, स्टूडियोज़ को, सब्जेक्ट्स को मैनेज किया जाए
ताकि टाइम भी क्लैश ना हो और सारी चीज़ें मैनेज हो पाएँ। तो ऑलमोस्ट बन चुका है, 30 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है और आई थिंक आज हम 26 तारीख में हैं, 4 दिन में वापस से स्टार्ट, 3-4 दिन बाद ये बैचेस भी शुरू होने वाले हैं, तो 3-4 दिन बाद ही हमारी वीडियो भी जाने वाली है। हाँ सर, तो भैया उसी टाइम आप देख लेना, मतलब आज आप देख रहे हो आज ये सब बैचेस चल रहे हैं। यहाँ पर ये हमारे पास बच्चों ने बच्चों के लिए हम लोगों को बुक्स, बच्चों के लिए बहुत बड़ा वो रहता है फियर, क्लास 11th में जब बच्चा जाता है मैं साइंस में जाऊँगा, मैं कॉमर्स में जाऊँगा, मैं आर्ट्स में जाऊँगा, मैं बुक्स कौन सी लूँगा। सो हमारा टाइप है अलग अलग पब्लिकेशन से, एडुकार्ट से, ओसवाल से, अरिहंत से, तीनों से, तो हम लोगों ने तीनों की ही बुक्स मंगवाई हैं ताकि हम रिव्यू करें और बच्चों को जो सही बुक्स हैं वो सही बुक्स डिलीवर कर पाएं। ओसवाल की बुक्स आ चुकी हैं, अरिहंत की और एडुकार्ट की रास्ते में वो भी आ जाएंगी जल्दी। मतलब हम सजेस्ट कर देते हैं कि आपको जो भी बेस्ट लगे आप वो परचेज कर लीजिए। परफेक्ट। और मैं तो सर इनसे, प्रशांत जी से साथ आप कनेक्टेड होंगे। हाँ, तो मैं आज से तकरीबन 2.5 साल पहले उनसे मिला भी हूँ, आए भी थे मेरे से पर स्पेशली मिलने, नोएडा में स्पेशली मिलने मेरे से आए थे, अपनी वॉल्वो है उनके पास एक तो यहाँ आए थे, फिर उन्होंने मुझे अपने वहाँ भी बुलाया था, अपने आगरा में है ना सर, आगरा में, तो उनके घर भी गया हूँ मैं उनके साथ, तकरीबन काफ़ी टाइम बैठा हूँ। हमें भी कई बार बुला चुके हैं। अच्छा, तो मेरा तो सर घूमने वाला काम रहता था, आपका पढ़ाने का काम है, तो मैं काफ़ी मिला हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छे सर, बहुत अच्छा रिलेशन है उनका। मेरी सर उनसे सिर्फ एक बार लिंक्डइन पे मैंने बस उन्हें एक मैसेज डाला था, क्योंकि हमारे दिमाग में चल रहा था कि कुछ इस तरीके कर सकते हैं, उन्होंने एक मैसेज मैंने बस उन्हें किया, अगले मैसेज में उन्होंने नंबर दिया और अगले 5-6 मिनट में हम लोग कॉल पर बात कर रहे थे। काफ़ी एक्टिव है सर वो, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था उनके साथ। अच्छा, तो इसमें दो दरवाजे, मैं तो कंफ्यूज हो गया सर, एक बार मैं यहाँ से निकला सर लोग यहाँ से निकल गए, एक इधर को खुलता है और सर एक उधर की तरफ खुल जाएगा। अच्छा, ये एक क्लासरूम हुआ करती थी, यहाँ से दिखा दो आप एक बार। तो यहाँ पर इधर की तरफ बोर्ड लगा होता था, बड़ा बोर्ड, और यहाँ डेस्क होते थे जी, फिर हमने जुगाड़ किया, जुगाड़ करके ये सारा सेटल डाल कर करा दिया। ये बेटर है, सब जुगाड़ है। नहीं सर देखिए, धीरे धीरे अल्टीमेट मैंने कहा चीजें हमारे अकॉर्डिंग थी नहीं, फिर हमें बनानी पड़ती है, वो जुगाड़ चाहिए होता है उस टाइम। सर कोरोना ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया ना मार्केट को पूरी तरीके से, अब ऐसे में आपको ऑनलाइन में स्विच करना, चीज़ों को सेटल डाउन और बच्चों तक डिलीवर करना काफ़ी मुश्किल था, तो जैसे हो पाया वैसे हो पाया, कर दिया और हो गया। परफेक्ट सर, परफेक्ट, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, ऑल गुड। पहले जब स्टार्ट किया था तो सिर्फ ये वाली रो थी और ये वाली रो थी, ये बीच में कुछ भी नहीं था। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, काफिला बनता गया, तो लोग भी आए, फिर ये भी बन गया, सब मन तरह गया धीरे धीरे करके। मतलब ये वाली बुक सर मेरे अभी भी कैबिन में, कभी आप गए होंगे देखा होगा, मेरे यहाँ ऊपर रखा हुआ है किताबें। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से मिलके, बहुत सारी चीज़ें मेरे को भी सीखने को मिलेगी। हाँ यार, एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज़ें वर्क करती हैं, लाइक टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, कैसे इनिशियल लेवल पे शुरुआत करें, फिर आगे कैसे लेके जाएं, मिड रेंज में क्या करना चाहिए। थैंक यू सौरभ सर, आपने बहुत अच्छा डिटेल किया, और बैक बोन है पूरा, आपने देखा पूरा प्लानों पे लगे हुए कि आने वाले टाइम में क्या करना है, और सचिन सर धमाल बोल रहे हैं हर चीज़ों पर कि क्या किस तरीके से टीम डेवलप करना है। अरे सर आप दोनों फेस हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, जाते आते सर के बच्चों को सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, चेक करते नहीं है सब। आप कुछ कहना चाहते हैं पहले? नहीं, आप कीजिए, मैं अपील करने की बात। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ बच्चों कि देखिए महात्मा जी टेक्निकल पर आपको अपने काम की भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन इससे रिलेटेड आप एक नई राह पर निकल चुके हैं, क्लास 11th में जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको महात्मा जी टेक्निकल और सर का जो दूसरा चैनल है वी मेक क्रिएटर, आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेवी हो चुके हैं, जाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी में, सो उससे रिलेटेड सर के पास अतः नॉलेज है और उस नॉलेज को सर वी मेक क्रिएटर और महात्मा जी टेक्निकल दोनों पर ही पॉडकास्ट के थ्रू और स्पेशल वीडियोस के थ्रू दोनों के थ्रू दे रहे हैं, तो जरूर से चैनल का चैनल जो है सब्सक्राइब कर, टाइटल में ही कैल्विन लिखा होगा कहीं उस पर क्लिक करके वहाँ चले जाओ, है ना, वहाँ भी देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, और इतनी चीज़ तो आपने देखी है, आप क्लासेस वाइज देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th और 11th में अभी इस टाइम आया, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।